बताइए कैसे, क्या आप लोग में कब से कब दोस्ती हुई थी? आवाज़ आपकी। हम लोग दुब्बल में मिले थे, गिट प्रवेश में, 3 साल पहले जी। उस टाइम से बातचीत चल रही थी। कैसे चल रहा था, व्हाट्सएप पे या किस तरह से? कॉल पे डायरेक्ट। कब बीच में, कब कई बार मिलना जुलना होता था? बीच में फर्स्ट बार मिले थे हम लोग 25 दिसंबर को जहानाबाद में, सेकेंड बार मिले थे 3 मार्च को पटना में जी, जिसमें हम लोग एक नाइट साथ में भी थे। आज शादी करने की इच्छा कैसे हुआ? हम लोग फर्स्ट टाइम से जब से बात कर रहे तभी से जी। बीच में कभी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों में बात नहीं होने लगी? नहीं, बीच में ऐसा कभी नहीं हुआ। वैसे होती है, झगड़ा होती है, 2-3 दिन के लिए बंद होती है, फिर से स्टार्ट हो जाती है। आज पूरा परिवार आपका इस शादी को रिस्पेक्ट कर रहा है? ये शादी मतलब अगर ढंग से होती तो अच्छे से होती, और मतलब टाइम नहीं था। तो अपने फैमिली को नहीं बताते थे कि फैमिली को लव मैरिज से अरेंज मैरिज में बदला जाए? हम आए थे इसकी बहन का शादी में, सोचे थे शादी के बाद हम घर जाएंगे, अच्छे से मतलब वो लोग को समझाएंगे, लेकिन मेरी मम्मी बोलो अच्छे से बोलो जी, मेरी मम्मी का मतलब वो इंटेंशन अलग था। अब खुश हैं शादी से दोनों का? हाँ। अपना नाम बता दीजिए। अंजलि। आज शादी किए हैं, लव मैरिज आप लोग दोनों के बीच में हुआ है, कैसे कब से दोनों में दोस्ती हुई थी और कैसे इच्छा जाहिर हुआ शादी करने का? 2016 में, उसके बाद फिर मतलब हम लोग 2018 में मिले थे, ठीक है जी, मतलब फोन से बात होते थे बस, और फिर मतलब हुआ है मेरे घर का मतलब बहन का मतलब शादी था यहाँ पे, ठीक ना, तो आने के लिए बोल रहे थे, तो हम उसको मना भी किए, उसके बावजूद भी वो यहाँ आ गए, ठीक है। अब आ गए तो फिर मतलब उसका फैमिली लोग बोला कि अब यहाँ से तो ऐसे नहीं जा सकते हैं, तो शादी करना पड़ेगा, इसके वजह से फिर ये सब करना पड़ा। क्या बोलते, शादी कर लिए? अब शादी से खुश हैं? हाँ खुश तो है, लेकिन कुछ टाइम बाद होता तो और ज़्यादा खुशी होता। तो पहले से हम लोग कई बार मिल चुके थे, अब छू के एक बार पटना में मिले थे, और दूसरे बार जहानाबाद, बस 2016 से मतलब अभी तक। और रात में लड़की आई हुई थी, कल आई थी लड़की यहाँ पर? हाँ कल, मतलब मेरा नंबर ब्लॉक कर दी थी, हमको भी पता नहीं चला कि वो कहाँ चल गए, मतलब उसके फैमिली लोग मेरे पास भी फ़ोन किए कि वो तुम्हारे पास गए या तो, मतलब हम बोले कि मेरे पास तो नहीं मतलब आई है, ना कोई इन्फॉर्मेशन दी है कि हम यहाँ पे आ गए हैं, तो फिर हम भी बहुत मतलब चिंता मतलब बहुत टेंशन में थे कि कहाँ चली गई। उसके बाद फिर शाम में अचानक से फ़ोन आया, तो पता चला कि वो यहाँ विश्रामपुर मोड़ जो है ना जी पहुँच गई है, तो फिर वही रिसीव करने के लिए गए, उसके बाद हाँ घर लेकर आ गए, और क्या अब क्या। अब आप लोग पूरा परिवार इस वक्त कर रहा है शादी को? अब तो क्या करेगा, जब हो गया तो। चलिए अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुमित कुमार सिंह है, पिता स्वर्गीय हरिद्वार सिंह, ग्राम विश्रामपुर, पोस्ट ऑफिस पुलिस स्टेशन इमामगंज डिस्ट्रिक्ट। अच्छा एक बात और है, ATN Live।